आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट टेस्टी मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मोहन थाल की रेसिपी। कई बार हम मोहन थाल बनाते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, बर्फी जैसा बन नहीं पाता है। इसके लिए हम आपके लिए सारे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस टेस्टी मिठाई को घर पर बना सकते हैं एकदम हलवाई जैसे। रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर इस टेस्टी दानेदार मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मोहन थाल बर्फी को बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे एकदम ट्रेडिशनल तरीके से गुजरात की फेमस मोहन थाल बर्फी। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। पहला 1 कप हमने चलनी में डालकर रखा है और यह है 2 कप। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। बेसन को छान लिया है, अब हम बेसन के लिए मोइन बनाएंगे। तो यहाँ हम लेंगे 3 टेबल स्पून भरकर दूध। तो ये टोटल 3 टेबल स्पून दूध लिया है हमने बाउल में। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भरकर देसी घी। ये मेल्ट किया हुआ घी है। देसी घी में बनाएंगे तो मोहन थाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़कर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन के अंदर घी और दूध का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। सारे टिप्स और ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एकदम दानेदार एकदम दरदरा सा मोहन थाल बनकर के तैयार होगा। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध और घी का मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कर सारा ही ऐड कर दिया है। ये प्रोसेस करने से इसके अंदर दाने बनते हैं जिसकी वजह से मोहन थाल में दरदरा सा और दानेदार टेक्सचर आता है। बेसन के मिक्सचर को हथेलियों पर रखकर इस तरीके से हल्का हल्का रब करेंगे। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं मोहन थाल को एकदम दानेदार और परफेक्ट दरदरा और एकदम टेस्टी बनाने के लिए। तो हमने इसे पूरे 7 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। पहले ये एकदम चिकना बेसन था, देखिए एकदम प्लेन था ये, और अब देखिए इसके अंदर दाने क्रिएट हो गए हैं। आटा छानने वाली छन्नी लेंगे और इससे हम ये जो हमने दाने वाला मिक्सचर बनाकर रखा है इसको छान लेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर अगर कोई भी मोटे लम्ब्स बन गए होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से जब इसको बनाया जाता है तो इसी तरीके से इसको छान करके तैयार करते हैं। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप इसको मिक्सिंग जार में डाल करके 1 से 2 बार घुमाइए तो ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। दानेदार बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है और ये जो ऊपर बच गया है ना हमें इसको फेंकना नहीं है। हम इसका इस्तेमाल पकौड़ों में या सब्ज़ी में कर सकते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और इसमें डालेंगे 1/2 कप घी। अब हम इसमें डालेंगे बेसन के मिक्सचर को। ऐसा नहीं है कि हमें घी को कितना गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करना है या कम गर्म करना है, बस मेल्ट किया हुआ घी है इसमें बेसन को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको धीमी आँच पर भूनेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी की क्वांटिटी कम है। इतने घी में एकदम परफेक्ट और दानेदार टेक्सचर वाला मोहन थाल बनकर के तैयार होगा। पहले हमने 3/4 कप घी के साथ में इसको बनाया था तो बहुत ही ज़्यादा घी की क्वांटिटी हो जाती है उसके अंदर और घी जो है रसने लगता है। इसको धीमी आँच पर हम 15 से 20 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसे कोई भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, पहले हम उसको कई बार घर में ट्राई करते हैं, जब वो परफेक्ट बनकर के तैयार होती है तभी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। इसमें ज़्यादा डार्क कलर लाने के लिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे।
अगर इसको 2 मिनट से ज़्यादा भूनेंगे ना हाई फ्लेम पर, तो इसके अंदर कड़वा टेस्ट आ जाएगा। पहले हमने इसको 15 से 16 मिनट के लिए धीमी आंच पर भुना है, और इसके बाद में हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर भुना है। इसके अंदर बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर मावे खोए का फ्लेवर लाने के लिए आधा कप दूध डालेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए भूनते जाएंगे। ऐसा करने से इसके अंदर एकदम ऐसा टेस्ट आएगा कि आपको लगेगा आपने इसके अंदर खोया या मावा डाला है। थोड़ा थोड़ा कर कर दूध को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बचा हुआ सारा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन मानिए, जब हमने इस रेसिपी को घर पर बनाया तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, एकदम दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मोहन थाल बन करके तैयार हुआ था। लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसके अंदर जो दूध डाला था ना, इसको हमने पूरे तरीके से सुखा लिया है। और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे। इसको रख देंगे साइड में। यहाँ हमने एक केक टिन ले लिया है और इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप जिस भी प्लेट में या बर्तन में इसको सेट करना चाहते हैं तो इसको पहले ही घी से ग्रीस करके रख दीजिए। और यहाँ हमने लिया है बटर पेपर। अगर आपके पास में बटर पेपर है तो आप लगा लीजिए, वरना ऐसे ही आप इसको सेट कर सकते हैं। इस पर भी हम थोड़ा सा घी को लगा लेंगे, अच्छे से सेट कर कर रख देंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। यहाँ हमने 1 कप से थोड़ा कम शक्कर लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो टोटल 1 कप भर के लीजिए शक्कर। शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर इलायची का पाउडर। थोड़े से केसर के धागे लिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी हमें बनाना है 1 तार की चाशनी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। हलवाई भी इसी तरीके से फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं इसको डार्क कलर देने के लिए। गैस की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे और अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। देखिए, इसके अंदर 1 तार बन रहा है, बस ये परफेक्ट कंडीशन है इसकी। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम गरम गरम चाशनी को भुने हुए बेसन में डालेंगे। बेसन का मिक्सचर है रूम टेम्परेचर पर और चाशनी एकदम गरम गरम है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम परफेक्ट चाशनी बनी है, क्योंकि हमने रेशो जो लिया था ना वो एकदम परफेक्ट था। मिक्स करने के बाद हम इसको गीला नहीं छोड़ेंगे, हम इसको गैस को ऑन करके 1 मिनट तक पकाएंगे। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है, हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। ये अच्छे से भुन गया है और 1 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से देखिए सेट कर लेंगे दबाते हुए। देखिए, इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे हो गए, देखिए ये एकदम परफेक्ट सेट हो गई है। और हमने इसके अंदर बटर पेपर लगाया है ना, तो ये एकदम आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितने आसानी से निकल गया है और एकदम परफेक्ट सेट हो गया है ये। स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो एकदम टेस्टी और परफेक्ट मोहन थाल बन करके तैयार होगा। इसके ऊपर लगाएंगे हम चांदी का वरक, एकदम बढ़िया और हलवाई स्टाइल लुक आएगा इससे। अच्छे से हमने इसके ऊपर चांदी का वरक लगा दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। देखिए, नाइफ जो है एकदम क्लियर निकल रही है, तो एकदम अच्छे से सेट हो गया है ये। इसका लुक देखने के बाद में हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो हम आपको एक पीस उठा करके बताएंगे। और ये देखिए, एकदम दरदरा सा दानेदार टेक्चर आया है इसका, एकदम परफेक्ट।
और एकदम टेस्टी ये मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। एकदम आसान तरीके से हमने आपको ये मोहन थाल बर्फी बनाना सिखाया है। रेसिपी पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। हमें कमेंट कर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत अपने चैनल को, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।